मजबूत करने वाला करार दिया। मेघवाल ने कहा कि नींव खोते वक्त थोड़ी बहुत परेशानी होती है कांग्रेस के ऑर्गेनाइज लूट के बयान पर। मेघवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के समय में हुए घोटाले व्यवस्थित लूट थे, इसलिए ये शब्द उन लोगों को याद है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की मीडिया संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल इस वक्त मेरे साथ हैं। अर्जुन मेघवाल जब वित्त राज्य मंत्री थे तब ये नोटबंदी लागू हुई मेघवाल साहब, और नोटबंदी को एक साल हो गया है। ये वो दिन था जिसके अगले दिन कतारें देखी गई एटीएम पर, लेकिन अब जो है भाजपा कह रही है इससे फायदा हुआ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि महज कुछ मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, आप क्या तर्क देंगे? देखिए, ये जो नोटबंदी का जो विषय है, ये इस देश में नए भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखने जैसा विषय है। मजबूत होती है तो उस इमारत को बनते हुए भी देखा है, तो मजबूत नींव मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को रखी अर्थव्यवस्था की। मजबूत नींव रखी, लेकिन कैसी मजबूत? आर्थिक दर 3 तिमाही की सबसे कम आर्थिक दर पर आ गए साहब, 5.6। मजबूत इसलिए मजबूत नींव बता रहा हूं, जैसे अभी आपने मजदूरों को कहा 50 लाख खाते खुले मजदूरों के, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट होने लग गया मजदूरों को। बीच में कोई खा रहा था वो बंद हुआ। 57,000 करोड़ रुपए ऑनगोइंग स्कीम में बचे, ये मजबूत नियम है साहब, ये मजबूत नियम। काला धन जो दावा किया गया था वापस आएगा, वो तो सारा सफेद हो गया साहब। देखिए, बैंक में आना वो अलग विषय है, लेकिन लेकिन मैं कह रहा हूं नए करदाता इसके बाद कितने जुड़े, डिजिटल ट्रांजेक्शन कितना बढ़ा, ये हमारी सारी योजनाओं का विषय। ये गरीब का उत्थान हम कैसे करें, नए भारत के निर्माण में गरीब अपने आप को मुख्य धारा में कैसा जुड़ा हुआ माने, ये विषय हमारा। कांग्रेस जब हल्ला करती है तो गरीब आदमी उनकी रैलियों में नहीं मिलता है साहब। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी ने कमर तोड़ दी और जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बन गया, और मनमोहन सिंह कह रहे हैं टैक्स टेररिज्म बढ़ा दिया आप लोगों ने। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने जब राज्यसभा में बोला था तब भी मैं वही था। वो कहते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड लूट है। मैं कहता हूं ऑर्गेनाइज्ड लूट वो होती है जो कॉमनवेल्थ में हुई, ऑर्गेनाइज्ड लूट वो होती है जो 2G में हुई, ऑर्गेनाइज्ड लूट वो होती है जो कोयला ऑक्शन में हुई, जिसमें मनमोहन सिंह जी कोयला मंत्री भी थे। तो ऑर्गेनाइज्ड लूट के तो वो साक्षी रहे हैं और खुद भी भागीदार रहे हैं, इसलिए उनको शायद ऑर्गेनाइज्ड लूट का शब्द याद आ रहा है। ये अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत रखने वाला कदम है, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी 2022 तक। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अर्जुन मेघवाल, जिनका कहना है कि ये एक मजबूत काम किया गया है, नींव को मजबूत किया गया है अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसा फैसला है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, जी मीडिया, बीकानेर।